गुमला में सरकार एक तरफ मवेशी को संरक्षण करने को लेकर कई तरह की सरकार ने कानून बनाए हैं, साथ ही गौ तस्करी एवं गौ हत्या को रोकने के लिए सरकार ने कई कड़े कानून भी बनाए हैं। वहीं दूसरी ओर बेखौफ गौ तस्कर लगातार मवेशी की तस्करी की वारदात को अंजाम देते हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और ना ही रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम उठाया है, जिससे बेखौफ गौ तस्करी अवैध रूप से फल फूल रहा है। ताजा मामला गुमला जिले के रायडी प्रखंड के सूरसाग थाना अंतर्गत कोंडरा गाँव की है, जहाँ विश्व हिंदू परिषद एवं ग्रामीणों ने गौ से भरे एक पिकअप को जब्त कर प्रशासन के हवाले कर दिया। वही तस्करी के लिए जा रहे 3 पशु तस्करों को भी ग्रामीणों ने पकड़ा है। इधर ग्रामीण गोलबद्ध हो गए हैं और पशु तस्करों पर तस्करी करने को लेकर सरकार से और प्रशासन से रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर कारगर रोक लगाने की मांग की है, नहीं तो गांव के ग्रामीण एकजुट होकर इस पर आंदोलन करेंगे। जैसा कि आज ये विश्व हिंदू परिषद द्वारा कार्यकर्ता और ग्रामीणों द्वारा जैसे कि आज कितना 3:30 बजे ना 3 बजे इन लोग एक पिकअप गाड़ी के वैन पकड़े हैं, जिसमें कुल 12 मवेशी हैं, तो इन लोगों को जब्त कर लिया गया है और इन पर प्राथमिकी दर्ज कर इन लोग के अग्रिम कार्रवाई के लिए हम 3 अभियुक्त तो पकड़ा गया है ना, तो इसको अग्रिम कार्रवाई के लिए ले जाया जा रहा है यहाँ से। इस तरह लगातार अगर इस तरह ग्रामीण लोग के द्वारा किया है तो लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही है, रखना ही पड़ेगा हम लोग को।